तो दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज सिंह पवार। आज मैं अपने गांव में हूं शमकोट में। आज जो है मैं क्या कहते हैं कि जो ऊपर जा रहा जोहार सिंह चाचा के उधर जहां पे घटेली चल रही, तो घटेली के बारे में अभी हम अंदर जाएंगे, घटेली को देखेंगे कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है करके। तो साइड आ जाओ, मेरे साथ जो है कैमरामैन जो है दीपू है, और हम जाके अंदर जाके देखेंगे। अभी तो साइड की ब्रेक चल रहा है घटेली का। इससे पहले मैंने जो है घटेली के जो वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर चौके जाते हुए जो है कि जोहार सिंह चाचा लोगों के वहाँ जो है घटेली हो रही है। ठीक है, हम अंदर एंटर कर रहे हैं। ये हमारे इधर पे जो दिख रहे हैं आपको, ये जोहार सिंह चाचा। ठीक है, इससे पहले हम अंदर जाते हैं, सबसे पहले तो देख लीजिए कि आप जो है जहाँ पर हमारा जो उत्तराखंड की परंपरा जो गढ़वाल और कुमाऊं होता है कि जो है घटेली और जागर, तो इधर पर भी घटेली हो रही है। घटेली के बारे में भी ये बताइए, हमारे जो कोटा पंद्रपाल आशीष जो आए कि जो उस्ताद जिसमें बोलते कि क्या बोलते हैं वो डंगरी, हाँ डंगरी जो भी बोलते हैं, हमारे जगरी या डंगरी बोला जाता है। अरे उतना मेरे को भी पता नहीं है इसके बारे में। तो इधर पे सभी लोग दिखाए जाए, दीपू सबसे पहले ये दिखा मंदिर, ये जो हमारे वीडियोग्राफर दीपू है ये आगे, इधर पे सभी लोगों का रिकॉर्ड किया जाए, इतने लोग आए हैं बैठे हैं। अभी इससे पहले अभी जो है ब्रेक का टाइम हुआ है, इससे पहले दो बार हो चुका है, अभी जो है रेस्ट ऑफ टाइम है इसलिए। तो ठीक है, अभी पूछेंगे हम सभी से जितने बैठे यहाँ पे, जितने जो लोग हैं कि आखिर ये क्यों होता है इस चीज के बारे में। सबसे पहले तो हम यहाँ पर चलते हैं कि हमारे बुबू जी कोटा पंद्रपाल से आए, जो उनसे बात करते हैं कि इसके बारे में। पहले तो आपको प्रणाम, आपका स्वागत है, कोटा से है। तो ये बताइए सर कि जैसे ये घटेली और ये जागर यहाँ पे क्या हो रही है, घटेली हो रही है या जागर हो रही है? हाँ, ये घटेली और ये जागर में क्या अंतर होता है? एक तो जागर होता है, एक तो घटेली होती है हमारे उत्तराखंड में, आप बताइए इसको विस्तार से। घटेली अंतर का होता है, जो जागर होता है वो भूत, जो आदमी कभी मर जाता है तो भूत जीवनी में जाता है, उसके लिए जागर लगाए जाते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद। अभी यहाँ पर जो है हमारा जो है क्या कहते हैं घटेली चल रही है, जो यह हमारी घटेली चलने की परंपरा है, इसमें घटेली करते हैं, घटेली को क्यों लगाया जाता है, इस बारे में। ये नाते ऐसा है, उत्तराखंड देवभूमि है, परंपरा से देवभूमि है, यहाँ देवताओं का वास है, इसीलिए जो है देवी देवताओं को हम लोग ज्यादा मानते हैं। तो हर किसी के घर में तब ये घटेले का प्रोग्राम किया जाता है, किसी के घर में नहीं, कोई कोई लगाते हैं, कोई लोग नहीं भी मानते हैं। हिंदुस्तान में कोई कैसा सोचता है, तो जो मानता है माने देता है, मान्य पत्र जो मानता है तो उसके लिए देवताओं का बाढ़ है कि उत्तराखंड में, लेकिन लोगों ने मानना भी चाहिए और समझना भी चाहिए कि उत्तराखंड में वास्तव देवी देवता हैं। ठीक है, इनके अनुसार कि इन्होंने अभी बहुत शानदार बात कही, ये क्या है कि हमारी जो पुरानी परंपरा चली आ रही है कुमाऊं और गढ़वाल, क्या हमारी जो उत्तराखंड भूमि की देवी देवताओं की भूमि है, तो इन्होंने क्या बताया कि इस चीज को जानने से हमें जो ये परंपरा है आगे को बढ़ाते रहना चाहिए, जो हमारा जो विश्व में जो है यूनेस्को में भी इसका नाम आए धरोहर में। अभी हम जो है कि जोहार सिंह चाचा इधर पे उनके वहाँ घटेली लगाए जा रहे हैं, सामने दिख रहे हो अभी उनके जो है कि खुशी में जो है देवी देवताओं के नाम पे जो घटेली लगाए गए। अब इसके बाद जो है उनका बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो हमारे लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छे से आपको जो है दो कम शॉर्ट में कम समय में जो है हमको विस्तार से इसके बारे में बता दिया, धन्यवाद। इसके बाद हम जो यहाँ पे बैठे हैं हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं बुबू लोग हैं, सबसे पहले तो सभी जितने सभी से पूछा जाएगा कि आखिर ये क्या आप तो समझते हैं या ऐसे बैठे इधर पे। इससे पहले मैं बता दूं कि इनकी जो है मैं आवाज रिकॉर्ड कर चुका हूँ, घटेली जो बहुत शानदार गाया है इन्होंने, गायन किया है, वो चीज भी इस वीडियो में डाल दिया जाएगा। जो लास्ट 5 मिनट तो ठीक हो गया। इधर पे सबसे पहले पूछा जाए हमारे जो बुबू जी बैठे हैं, मैं इनको जानता, जैसे हमारे इधर पे बुबू जी हैं प्रयाग सिंह पवार, इनको मैं बचपन से जानता हूँ, इनको जो है हमारे जो इतनी पारंपरिक और कहानियों के बारे में बहुत जानकारी है, तो ये बताएंगे कि आखिर क्या होता है करके अपने शब्द में जैसा भी आ रहा है। तो बुबू जी बताइए कि यार आप घटेली और जागर के बारे में क्या जानते हैं या क्या कर रहे हैं? ये घटेली इस टाइप का नृत्य है, जैसे हमारे पहाड़ों को ये यज्ञ टाइप का करते हैं, कोई कथा प्रहार करें या कोई भागवत करें, कोई घटेली लगाए, वो अपना अपना हिसाब से जिस हिसाब से अपने को मतलब हर्षद है उस हिसाब से यज्ञ होता है। जैसे कोई घटेली भी लगाते हैं,
और ये कथा प्राण करते हैं, खड़ंग पाठ करते हैं, हैं और भागवत करते हैं, ये यज्ञ टाइप है। ईशा जी, भूमि जी ने भी बहुत कुछ बताया कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि और कुछ बताना चाहेंगे तो और बता सकते हैं, ऐसा कुछ धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम सभी का नंबर, सभी की बारी आएगी। मैं तो जानता क्योंकि जो भूमि जी हमारे प्रयाग सिंह कुमार भूमि जी, मैं तो इनको जानता, इनको तो सब पता है पूरा हमारा जो हिस्ट्री वगैरह, कहानी कौन सा क्या कहीं पे कोई दिक्कत है, मैं इनसे पूछता हूँ कि पुरानी कथाएं जो हमारी जो लोक कथाएं परंपराएं चल रही है तो उनके बारे में जानते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम चलते हैं। अरे बच्चों, इसमें डरने की बात नहीं है, ऐसा नहीं, आप ऐसे मत डरो, जैसा भी लगता है ठीक है। तो इधर पे चलो ठीक, सबसे पहले तो वहां जाते हैं, सबसे पहले हमारे चाचा जी इधर पे, सबसे पहले ये क्या हमारे चाचा जी जोहर सिंह पवार जो है इनके वहाँ ही जो है घटेली लगाया जा रहा है। तो चाचा जी आपने मतलब घटेली क्यों लगाया जो जाने, ऐसा कोई नहीं बता सकते आपने क्यों। हाँ ठीक है, तो हाँ चाचा जी का कहना है कि यार यहाँ पे हम जो है देवताओं को खुश करने के लिए घटेली लगाते हैं, ये किया जा रहा है। ये क्या आप हर साल लगाते हो या कभी कभार क्या है? तीन चार साल में जो है एक बार जो है ये इधर पे घटेली लगाया जाता है। अब इसके बाद हमारे बुबू जी हैं जो मान जो मन खुला के इधर पे आते हैं, जो राय सिंह बुबू जी है चाय आए फिर थोड़ा सा क्षमा मांगेंगे कि इसके बारे में। ठीक है, तब तक नेक्स्ट टाइम हम चलते हैं हमारे चाचा जी, हमारे चाचा जी जो पड़ोस में रहते हैं श्री उत्तम सिंह चाचा जी, आप बता। अरे ऐसा कुछ नहीं, जो भी आता है ऐसा पहाड़ में बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं आते आप सीख करके दो एक शब्द बोले चाचा जी। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा होता है ऐसा कुछ नहीं, फर्स्ट टाइम पे मतलब सब कुछ जानते हैं ऐसा कुछ नहीं चाचा जी, थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है उनको थोड़ा सा ये चीज में बताने में। इसके बाद आते हैं हम सिस्टर जो जोहर सिंह चाचा की लड़की, इसके बारे में तो आप ये हम फिर से जो है सिस्टर जो चंपा ये बताएंगे कि आखिर ये क्या घटेली क्यों मनाया जा रहा है। मैं वहाँ ससुराल से आई हूँ मायके, मुझे इनवाइट किया था इसलिए मैं आई हूँ। कल आज घटियाली थी, कल पूजा है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसमें हंसने वाली बात नहीं, थोड़े से लोग हंसते कोई बात नहीं, ठीक है, सुनिए भी अच्छा है। ये थोड़ा सा ये है कि आपने अभी ऑन कैमरा आके जो है अपना जो है उनको जो है बता नहीं पा रहे अपना जो रिकॉर्ड, इनको सभी को लगभग आता ही है। इसी बात चलेंगे हम जो है इधर पर भाभी जी हमारे सीमा भाजी आग क्यों मनाया जाता है, ऐसे बताओ, ऐसे तो नहीं दो शब्द बोलो कुछ भी बताओ, आपको क्यों लगता है, आपने भी इसी बात में आपके घर में भी लगती है तो बताइए। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे हमारे जो बुबू जी हैं जो बुजुर्ग आसाम राइफल में भी जवान रह चुके हैं, तो ये बताएंगे आपको कि आखिर ये यहाँ पे आप घटेली के बारे में आप क्या जानते हैं, क्यों मनाया जाता है बताओ बुबू जी। ये मानता है कि हमारे वहाँ देवी भूमि है, ये देव भूमि में हमेशा ये हर कोई भी इस घटेली लगाता है, कोई नौरते लगाते हैं, कोई कुछ लगाते हैं, ये अपने अपने अपना परंपरा से चली हुई रीति रिवाज है, इसलिए कोई कुछ मानता है कोई कुछ करता है। धन्यवाद। बुबू जी का कहना है कि जो हमारी जो परंपरा चलते आ रही है आज से, जो हमारे पूर्वज करते थे कि यहाँ पे जो है ये घटेली और जाकर ये चीजें लगाते रहते थे देवताओं को या देवताओं को खुश करने के लिए, अभी तब इस चीज के बारे में उन्होंने बताया थे विशेष प्रकार से आप लोगों को। अब नेक्स्ट टाइम चलेंगे हम इधर पे चाची जी है, ये ऐसा चाची जी इधर पे ऐसा मत लागे, ऐसा कोई बात बताओ आप तो मेन जी चाची आप बताओ। हाँ ठीक है, आखिर क्यों मनाए जाएंगे ये चाची जी बताएंगे आपको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, आप पहाड़ में भी बोल सकते चाची, कोई ना हिंदी में नहीं भी आ जाए आप पहाड़ में बता सकते हो ऐसा। हाँ ठीक है, अभी वो चाची ठीक है, बताओ बोलो बोलो। हाँ बताओ चाची, देवता आता है। हाँ देवता आता है, ये देवता क्यों आता है? अरे ठीक है कोई नहीं, जो घटेली लगाते उससे शरीर में देवता आता ही होगा, देवता आता है घटेली लगाते। तो और क्या बताएंगे, घटेली क्यों लगाया जाता है, जैसे आप लोग भी लगाते हो गांव में, आप वो याद करो जो आखिर आप घटेली क्यों लगाने की जरूरत पड़ रही है घर में आपके, घटेली लगाई जाए। हाँ देवता, ये चीज ठीक है, पहाड़ में होता है क्या लाना घटे
पार जब तम घटा लहा जागर लहा हाँ देवता का था इससे पहले पहले जानो ना पूजा ठीक है। तो अभी तो इससे पहले ये क्यों लगाया जाता है ये बताया गया कि कभी ये क्या कहते हैं जो कोई पुजारी होता है या मांत्रिक के पास जाते हैं पूछ उछ करके या वहाँ से कि देखते हैं कि उस टाइम पे पता चलता है लोगों को कि जब पूछ कर निकलता कि यहाँ पे हाँ कि हमको जो देवी देवता खुश नहीं है और आएगा अभी शनि की बारी आएगी तो वहाँ पे निकलता कि पूछ पूछ जाने के बाद वो बताता है मांत्रिक की घटेली देनी चाहिए ये देना चाहिए करके ठीक है। नेक्स्ट टाइम चलेंगे जो मम्मी के पास हमारी मम्मी जी ये बताइए मम्मी जी आप घटेली जागर के बारे में क्या जानते हैं ये अरे जानते हैं तो गलत बात नहीं बताओ बताओ क्यों लगाया जाता है क्या क्या लाना है घटे और जागर क्या लाना तो हाँ मम्मी का कहना ऐसा है कि जब कोई पूछा रही है वहाँ हमारे पहाड़ में यह होता है कि मानते कि वहाँ जो बताने वाला था ये मांत्रिक मांत्रिक है पुछारी बोला जाता है सब उसके बाद इसलिए ये घटेली लगाया जाता है। तो ठीक है अम्मा के बगल हमारे पड़ोस में अम्मा जो घटे जाकर क्या लाना बताओ पहाड़ में अरे हर्षो बात कोई बात नहीं इस टाइम पर हम आप लोगों की रिस्पेक्ट है थोड़ा सा ऑन कैमरा नहीं बता पा रहे हमारे जो साथी सीनियर वगैरह उसके बाद हम जाएंगे आप साची के पास ये साची बताएगी क्योंकि हमारा जो वीडियो है ससा भी देखेंगे बेटा जाकर क्या लाना टॉर्च लगा चलिए बताएंगे चलो कोई नहीं ठीक है इसके बाद ये बच्चे तो ओए तब्बू कोई बात नहीं तब्बू को क्या लगता है वो तब्बू ये गलत आदत है देखो पापा तेरे दादा सुनो हाँ बताओ ये तो शर्मा नहीं बताओ क्यों लगता है क्या मन उन्होंने घटाया बताओ क्या लाना घटा है वो शर्मा का क्यों खाल बताए अरे क्यों लगता है क्यों आई थी तू इधर बता देखने के लिए आई वो क्यों क्या होता है देवता आता है देखने के लिए आई हूँ देवता आता है तब देखने के लिए आई हूँ इधर पे जो है छोटी सी जो हमारी स्टूडेंट है इसको हमने पढ़ाया है तब्बू नाम है ये कौन सी क्लास में सेकंड क्लास में पढ़ते ना आप ये चीज को थोड़ा सा ये गुस्सा होगी इरिटेट होगी कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चलते हैं हम इधर पे ये हाँ ये वैसे अब आइए खिला के बाद ये गलत नहीं तो ये यहाँ पर फाइनली चलते हैं हम सिस्टर के पास जो है जोहर सिंह चाचा की छोटी लड़की है उनके वहाँ घटेली लगाई जा रही है इनको पता होना चाहिए कि क्यों घटेली लगा रही है ये बताइए बताए कि घटेली क्यों लगाई जा रही है आपके यहाँ। उत्तराखंड देवभूमि है देवताओं का वास होता है यहाँ और हमारे पहाड़ में माना जाता है कि देवी देवताओं को खुश करने के लिए हम लोग पूजा करते हैं और घटेली इस तरह के अनेक कार्य करते हैं और चलो गुड सवाल बहुत अच्छा कोई बात नहीं ठीक है ऐसा आपने अच्छा कोशिश किया पहली बार ऑन कैमरा ऐसा उन्हें होता है हेजिटेशन हमको भी हुआ था पहली बार हम कोशिश कर रहे हैं इसके बाद हाँ ये हमारे स्टूडेंट इनको हमको नहीं भी पढ़ा था बुलाया गया नाचनी से हाँ बताइए मैं नाचने से आई हूँ मेरी बहन के वहाँ घटियाली है और मुझे इन्वाइट किया गया है और हम देवी देवताओं को बहुत मानते हैं इसलिए इन्होंने आज यहाँ पे देवताओं को खुश करने के लिए घटियाली लगाई गई है और हम कभी ऐसे कुछ दुख तकलीफ ऐसी चीज हो जाती है तो हम पुछारी के पास जाते हैं और पुछारी जी बताते हैं हमें कि ये हो रहा है वो हो रहा है सो हो रहा करके फिर वो हमें बताते हैं कि आप ये करना घटियाली लगाना बकरी काटना ये करना वो करना बताते हैं इसलिए आज इनके परिवार में खुशी का दिन है इन्होंने घटियाली लगा रखी है और बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छा यहाँ पे मौसी ने आपको अच्छे से बता दिया कि ग्रीप से की कैसे क्यों घटियाली लगाया जाए जितने भी हमारे जो दर्शक है देखने वाले यूट्यूबर आप समझ ही चुके होंगे इसी बात हमारे ये हम यहाँ इसे तो बताएंगे हमारा मनमोहन सिंह ये पिथौरागढ़ पढ़ते हैं ये बताएंगे कि क्यों घटियाली क्यों लगाया जाए चलो बताइए दादा इसलिए मनाया जाता है ये हमारी परंपरा है मतलब संस्कृति है इसलिए घटियाली लगाई जाती है ठीक है बहुत अच्छा चलो ठीक इसके बाद और कोई अनिवार्य ये पूजा बता कोई नहीं क्या लाना बेटा है बता क्या लाना बेटा क्या लाना नहीं मोहम्मद क्या लाना नहीं
अरे कोई बात नहीं, हमने आखिर आप जितने भी हमारे दर्शक हैं या जानने वाले सब्सक्राइबर हैं या देखने वाले, आप जान चुके होंगे कि गठेली क्यों लगाया जाता है। आप बताना नहीं कुछ गठेली क्यों लगाना है। चलो ठीक हो गया, तो ठीक हो गया, इसी टाइम हम फिनिश करते हैं। जी बजे बंदी ने ज्यादा बढ़ लगे